हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लैंग चैनल। अक्सर हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के हिंदी वाक्यों को बोलते हैं, जैसे मैं एक अरसे से अपने होम टाउन नहीं गया हूँ, मैं एक समय से थिएटर नहीं गया हूँ, मैं यहाँ एक ज़माने से ख़रीदारी कर रहा हूँ और मैंने एक अरसे से कोई सिलाई नहीं की है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे समझते हैं। आप पहले बोलेंगे सेंटेंस जो कि टेंस के अकॉर्डिंग होगा और आपको सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है फॉर एजेस, जिसका हिंदी में मतलब है एक समय से, एक ज़माने से या एक अरसे से। मतलब एक लंबे समय से आपने किसी काम को नहीं किया है या फिर एक लंबे समय से कोई चीज़ होती चली आ रही है। एक हिंदी की एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे। मैं एक समय से थिएटर नहीं गया हूँ, मतलब मैं एक लंबे समय से थिएटर नहीं गया हूँ। सो आप पहले बोलेंगे सेंटेंस आई हैवेंट बीन टू द थिएटर। मैं थिएटर नहीं गया हूँ एक समय से के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर एजेस। सो नाउ कंप्लीट सेंटेंस इज आई हैवेंट बीन टू द थिएटर फॉर एजेस। मैं एक समय से थिएटर नहीं गया हूँ। नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। मैंने एक समय से कोई सिलाई नहीं की है। आई हैवेंट डन एनी सोइंग फॉर एजेस। आई हैवेंट डन एनी सोइंग फॉर एजेस। मैं लंबे समय से अपने होम टाउन नहीं गया हूँ। आई हैवेंट विजिटेड माई होम टाउन फॉर एजेस। आई हैवेंट विजिटेड माई होम टाउन फॉर एजेस। मैं यहाँ एक ज़माने से ख़रीदारी कर रहा हूँ। आई हैव बिन शॉपिंग हेयर फॉर एजेस। आई हैव बिन शॉपिंग हेयर फॉर एजेस। नाउ फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेंटेंस है। मैं कई सालों से प्रिया से नहीं मिला हूँ, मतलब मैं एक लंबे समय से प्रिया से नहीं मिला हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।